वेलकम टू माय चैनल गाइस, आज सेकंड डे है हमारे 20 किलोमीटर चैलेंज का। और ये चैलेंज स्टार्ट करने का मेरा मकसद यही था कि जितना हो सके इंडिया का भला हो, जितने फास्ट बॉलर हैं उतना अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे। अब इसी बात इतने मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ, उनका इतना भला होगा 3 महीने में कि शायद वो आने वाले फ्यूचर में चाहे 2-3 साल में भी वो चीज़ अचीव ना कर पाए वो लोग। तो सबसे पहले 2-3 क्वेश्चंस के आंसर मैं देता हूँ। क्वेश्चंस के आंसर पहले की बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे साइड ऑन, फ्रंट ऑन, सेमी साइड ऑन, सब सेम ड्रिल करेंगे। देखिए कुछ ड्रिलें सबकी सेम होती है, आफ्टर प्रीटर्न होती है। जो कल मैंने कराई वो सारी आफ्टर प्रीटर्न ड्रिल है। आफ्टर प्रीटर्न का मतलब है कि जितने भी सेमी साइड ऑन, साइड ऑन ये बॉलर होते हैं वो फ्रंट ऑन हो जाते हैं एक मूवमेंट पे। और कुछ ड्रिल ऐसी होंगी जिसमें कि आपको साइड ऑन बोला जाएगा कि साइड ऑन वाले साइड ऑन करो, फ्रंट ऑन वाले फ्रंट ऑन करो, सेमी साइड ऑन वाले सेमी साइड ऑन करो, तो उस तरीके से करेंगे। और पल्सिंग वगैरह में कुछ बच्चों ने पूछा तो मलिंगा वाले में, तो मैं जिस दिन बता दूंगा, जिस दिन पल्सिंग होगी ना मलिंगा एक्शन वाले किस तरीके से करेंगे नेक्स्ट डे, तो मैं उसको आपको बता दूंगा कैसे वो पल्सिंग करी जाती है, ठीक है। और सेकेंड आज क्या है कि आज आप लोगों को क्या चीज़ करना है कि सबसे पहले आपको अपना वेट मेज़र करना है, उसके अकॉर्डिंग आपका हाइट मेज़र करना है। तो आप देखना कि अंडर वेटेड हैं कि नहीं। अगर वेट अगर आपका अंडर वेटेड है तो वेट गेन करेंगे साथ में 3 महीने का, क्योंकि प्रोसेस ऐसा ज़्यादा होगा, हार्ड वर्क होगा, क्योंकि वेट डाउन भी जाएगा और उसके लिए आपकी एनर्जी की नीड रहेगी जो आप उस चीज़ को कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी फास्ट बॉलर हैं आपने लिए एक प्रोटीन मंगाए, 18+ वाले जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, BCAA भी मंगा सकते हैं, प्रोटीन भी मंगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आफ्टर प्रैक्टिस वो क्या होगा कि जिनको फाइबर ब्रेक होंगे, क्योंकि फाइबर ब्रेक होता है तो 20 से 25 मिनट के अंदर में प्रोटीन इंटेक कर लेना चाहिए अपने बॉडी के अंदर, ठीक है। आप घर जाओगे खाना खाओगे तो वो एक तरीके से प्रोटीन प्योर प्रोटीन भी नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि आफ्टर सेशन आप एक स्कूप ले लिए तो आपकी बॉडी रिकवर कर जाएगी, जो आपने फाइबर ब्रेक किया वो रिजनरेट हो जाएंगे, जिससे आपकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा डेवलप हो जाएगी मसल्स, ठीक है। तो आपको ये 2-3 चीज़ें अपनी नोटिस करनी है, बाकी रेगुलर प्रैक्टिस करिए, इतना फायदा होगा कि शायद आप पूरे 2-3 साल प्रैक्टिस करके भी फायदा नहीं ले सकते, ठीक है। आप लोगों के लिए कर रहा हूँ और स्टेडियम देखते रहिए। अभी जो हम कर रहे हैं ये ऑफ सीजन का है, पहले बता दूँ। और बहुत सारे बॉलर पूछ रहे हैं कि सर फास्ट बॉल डालें कि नहीं डालें, मतलब बॉल डालें कि ना डालें, तो जिस दिन मैं बताऊँगा उस दिन आपको बॉल डालना है। और ज़्यादातर मुझे पता है कि सबके बायो मैकेनिक, सबके क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कहाँ का फॉल्ट हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग ड्रिल्स कराएंगे और बेनिफिट आपको मिलने हैं विद गारंटी के साथ, वरना मेरा क्या फ़ायदा यार, ये बताइए आप लोग, ठीक है। जो चीज़ें मैं पैसे लेके दे सकता था वो मैं फ्री में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बस यही चीज़ है कि आप लोगों की भलाई हो जाए और पूरे ऑल इंडिया की भलाई हो जाए, ठीक है। तो अभी सेकंड क्या है तो मैं बताता हूँ आपको, स्टार्टिंग कहाँ से करना है। आज स्टार्टिंग एक जैसे कोन लगा लो और कोन के बाद जैसे कि एक हडल ले लो, हडल जैसे ये लगा हुआ है इस तरीके से आपको हडल लेना है। और ये हडल सिर्फ जंप के लिए है। और जितने भी बिगनर है मैं बता रहा हूँ कि अभी क्या करेंगे ना, जितने भी बालक है जो रनअप में पुश नहीं कर पाते हैं, ये जो रनअप में अच्छा भागते हैं वो नॉर्मल रनअप रखे, और जो जैसे रनअप पुश नहीं कर पाते हैं उनको एफर्ट लगता है ज़्यादा भागने में, तो 10 कदम एक्स्ट्रा बढ़ा के करेंगे, ठीक है। करके दिखा बेटा ज़रा, पूरा खुल के भागना है जितना हो सके फास्ट, देन ये जंप लेना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। फ्रंट ऑन हो तो फ्रंट ऑन लैंड करना है और साइड ऑन हो तो साइड ऑन लैंड करना है। ये आपको करने हैं, आपको क्या करना है आफ्टर रनअप, आपको करना है कि आपकी मेडिसिन बॉल जो भी आपने ली थी तो उसका यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है मैं बताता हूँ। अब हमें करेंगे बैक फुट के जो टेंडेंस है उसे इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। इसका मतलब है बैक फुट का एंकल की स्टेबिलिटी हमें बढ़ानी है, और जिसकी वजह से बैक फुट हमारा स्टिफ होगा और होल्ड कर पाएगा, ठीक है। स्टिफ होने की अलग ड्रिल है, स्टेबिलिटी की अलग ड्रिल है। तो पहले हम स्टेबिलिटी करेंगे ताकि स्ट्रेंथ हमारे टेंडेंस में, जिससे वो जिससे वाइब्रेट ना करे, जब हमारा बैकफुट का फोर्स आएगा इतना रन आपका बैकफुट तो होल्ड कर सके। उसके लिए क्या करना है, जितने भी मान लो इस तरीके से बॉल ले लेना है, ठीक है। ये आपका पंजा है, चाहे लेफ्ट राइट इस तरीके से पैर उठा के ये आपको होल्ड करना है, ठीक है। अभी इसमें क्या करना है कि जैसे कि आप क्लोज ही आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पैर दिखाना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है कि अगर आप साइड ऑन बॉलर हो तो आप साइड ऑन का पैर ऐसे जाएगा और इस तरीके से बॉडी आएगी, अपर बॉडी प्लस लोअर बॉडी दोनों साइड ऑन होगी, और अगर सेमी हो तो सेमी इस तरीके से आएंगे, ठीक है, और फ्रंट ऑन है इस तरीके से आएगा। और ये करना है आपको 2-2 मिनट के स्टेबिलिटी के बाद हम क्या करेंगे कि स्टिफनेस की करेंगे, ठीक है। स्टिफनेस क्या है कि जैसे कि इतना ज़्यादा फोर्स आता है बैक का रनअप से, वो चीज़ होल्ड होना जरूरी है बैकफुट पे। बैकफुट पे होल्ड का मतलब यही चीज़ है कि अगर बैकफुट आपका ना इस तरीके से धरती पे अगर 1 इंच भी टच होता है या कुछ भी टच होता है तो आपकी सारी जो फोर्स है बॉडी का वो एक तरीके से ग्रेविटी के तौर पे पीछे से चली जाएगी, पीछे चली जाएगी। तो उससे क्या होगा कि आपका रनअप की जो फोर्स है ना फ्रंट फुट पे आप धकेल नहीं पाओगे आपको, ठीक है।
तो उसको स्टिप करने का लिए आपको एक ड्रिल है, ये करना है इस तरीके से। आप एक तरीके बोल ले लो, चाहे हर्डल ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, ये जंप देन ये होल्ड। और इसमें क्या करना है कि जो फ्रंट ऑन होंगे फ्रंट ऑन जंप लेंगे, सेमी वाले सेमी जंप लेंगे, साइड ऑन वाले साइड ऑन जंप लेंगे, ठीक है। ये होल्ड करना है आपको, ये करना है टोटल आपको 200, ठीक है। कितना 200 ये करना है, ठीक है। ये चौथा ड्रिल है आज का। और चौथा ड्रिल का क्या करना है आपको, ये थेराबैंड लेना है आपको। कल ही मैंने बताया था ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अब इसके लिए करेंगे हम नॉन बॉलिंग। हम नॉन बॉलिंग हम के दो तीन ड्रिल्स है, पहले आप बिगनर है तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैं चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो साइड ऑन वाले साइड ऑन के पोजीशन में खड़े हो जाएंगे, फ्रंट ऑन वाले फ्रंट ऑन के। और मैं बताता हूँ साइड ऑन वालों कैसे आएंगे, इस तरीके से खड़ा करना है और ये चीज़ खोलना है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये साइड ऑन का हो गया। और सेमी वाले इस तरीके से यहाँ से खोलेंगे, यहाँ से, ठीक है। और फ्रंट ऑन वाले इस तरीके से यहाँ से ला के इस तरीके से खोलेंगे। ये आपको करना है टोटल आपको करने हैं 1100 का एक राउंड करना है, ठीक है। तो ये करिए और बाकी आगे बताता हूँ। तो बच्चों फिफ्थ आपकी एक्सरसाइज टुडे की आज यही है, आखिरी एक्सरसाइज है, इसे पल्सिंग बोलते हैं। और पल्सिंग की मैं बताता हूँ, जो फ्रंट वाले होंगे ना, ये सारे जो भी साइड ओन सेमी साइड ओन जितने भी हैं वो सब क्या करेंगे, आफ्टर प्रीटर्न होता है। आफ्टर प्रीटर्न का मतलब है कि वो जो फ्रंट ऑन हो जाते हैं तभी पल्सिंग करी जाती है। तो कोई भी आप किसी भी पोजीशन में आप खड़े हों, चाहे किसी भी पोजीशन का आपका हो, मतलब जैसा भी आपका बैक फुट फ्रंट ऑन साइड ऑन साइड ऑन पड़ता हूँ, आपको नॉर्मल ऐसे ही पल्सिंग करनी है। इस तरीके से फ्रंट फुट लॉक करना है, बैक फुट पंजों पे देन ये पल्सिंग करनी है। अभी कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था जैसे पथिराना और मलिंगा का जिसका हो तो वो कैसे करेगा, तो वो करेगा ऐसे साइड ऑन होके पूरा, ठीक है। वो साइड ऑन होगा इस चेस्ट में इस तरीके से और वो ये पल्सिंग करेगा, ठीक है। तो ये आपको पल्सिंग करना है, आपको ये टोटल करने हैं, ये 500 करना है, ठीक है। तो 500 आपको टोटल करने हैं। ये फ्रंट पल्सिंग हो गया, फिर देन मैं आपको बता देता हूँ ये बैक पल्सिंग 500, ठीक है। फिर एक शोल्डर सप्रेशन पल्सिंग आ जाएगा, ठीक है। ये इस पोजीशन में, ये साइड ऑन के पोजीशन में होगा, ध्यान रखना। जो सेमी वाले हैं सेमी के पोजीशन में करेंगे, फ्रंट ऑन वाले फ्रंट ऑन के पोजीशन में, और साइड ऑन वाले साइड ऑन के पोजीशन इस तरीके से, ठीक है। ये लॉक करके, तो ये आपके 500, ठीक है। ये आज का दिन था, आई होप आप अच्छे से करिएगा। और थोड़ा सा टायर्ड वाला दिन रहेगा, धीरे धीरे पुशिंग अच्छी होगी। आज स्ट्रेंथ नहीं जोड़ेंगे क्योंकि कल किया था, तो कल आपका स्ट्रेंथ जोड़ेंगे। और जो प्रोटीन वगैरह के लिए बोला वो लो और डू प्रॉपरली करो, 3 महीने में ऐसा रिजल्ट आएगा जो कि शायद आपने 2-3 साल में भी नहीं पा पाओगे। और शेयर करो दोस्तों को ताकि उनकी भी भलाई हो। और जितना हो सके, हमने चैलेंज अपने लिए खुद के लिए नहीं लिया, चैलेंज हर किसी के लिए लिया है ताकि सबकी एक तरीके से फास्ट बॉलिंग में इम्प्रूवमेंट आए और वो बेटर पे बेटर करे और कंपटीशन लेवल बढ़े ताकि हमारे बीसीसीआई की क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट और ऊपर जाए, ठीक है, फास्ट बॉलिंग वाले, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद जय भारत।